स्कूल खोलने के बारे में। हम सब जानते हैं कि स्कूलों के इतने लंबे समय तक बंद होने की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। आज DDMA की मीटिंग में एक्सपर्ट्स ने भी सबने माना कि बच्चों का अभूतपूर्व नुकसान हुआ है और इतना जितना उसकी भरपाई आसान नहीं होगा। इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि अब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली के सभी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट स्कूल हों, स्पेसिफिक प्राइमरी स्कूल हों या सभी, सब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। 1 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूल खोले जा सकेंगे। इसमें कुछ शर्तें हैं जो एक्सपर्ट्स की कमेटी ने सुझाई थी कि कोई भी स्कूल जब खुलेगा तो किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हर स्कूल जो भी छोटे से बड़े बच्चों को बुलाएगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में हो, हाइब्रिड मोड में हो, और 50% से ज़्यादा कैपेसिटी में बच्चों को ना बुलाया जाए। जितनी भी किसी क्लास की कैपेसिटी है उससे 50% से ज़्यादा कैपेसिटी के बच्चों को ना बुलाया जाए, ये भी स्कूल सुनिश्चित करेगा। साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेगा स्कूल की उसके स्टाफ को, वो चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबको 100% वैक्सीनेशन कवरेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके। वैसे ये जानकारी दी गई DDMA की मीटिंग में कि लगभग 98-99% स्टाफ को, इंक्लूडिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी स्कूलों में कम से कम एक डोज तो लग चुकी है, पहली डोज तो लग चुकी है, पर जैसे ही समय हो दूसरी डोज भी लगवाई जाए, और बाकी कुछ अगर कहीं कुछ लोग रह गए हैं, इवन इफ गार्ड या कोई और, तो सबको तुरंत वैक्सीन लगवाई जाए, ये भी स्कूल सुनिश्चित करेगा। तो 1 नवंबर से दिल्ली के स्कूल भी खोलना अलाउ किया जाएगा, सभी स्कूल, सभी क्लासेस के, सभी स्कूल, सब सब। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ब्लेंडेड मोड में, हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन क्लास तो चलेगी ही, लेकिन स्कूल खोलना अलाउ है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन किसी भी पेरेंट को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, पेरेंट की कंसेंट लेनी ज़रूरी होगी। नहीं, अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं। नहीं, अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो स्कूल क्यों नहीं खोलेगा। नहीं, सभी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, और काफी हद तक लोग वैक्सीनेटेड भी हुए हैं, केसेस भी बहुत कंट्रोल में हैं।